हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यू स्लाइड तक बना लिया था, ठीक है, एक व्यू बना लिया था जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर अपने पेजर लगा दिया था और यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट और पस का ऑप्शन का एक मतलब ये ऑप्शन हमने यहाँ कर दिया था। अभी हमने इसको क्या करेंगे, CSS के थ्रू हम लोग इसको इस तरीके का लुक दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए इमेज, उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से एक्सक्लूड फ्रॉम डिस्प्ले। अब इसको यहाँ पर डिस्प्ले तो करना नहीं है, तो हमें यहाँ नीचे हमारा 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, उसको हमें यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, वो हमें डिस्प्ले पर्पज़ से नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में हमें इमेज पहले चाहिए, फिर टाइटल चाहिए, फिर बॉडी चाहिए, फिर इसके बाद काउंटर है ये अपना, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नीचे आ गया है टाइटल, बॉडी और ये हमारा इमेज, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया हमारा ब्लॉक, तो हमको यहाँ पर ब्लॉक में जाना पड़ेगा और ब्लॉक में हमारे पास एक जो ब्लॉक ये हमारा जो बना हुआ है स्लाइड शो डेमो, ठीक है, इसको हमें दिखाना है। तो उसमें हम लोग कन्फ्यूज पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि मैंने इस पेज में आपको दिखा रखा है, बना रखा है, तो अगर मैं इसी पेज में ऐड करते हैं तो थोड़ा एक अच्छा वो होगा। तो मैं इस पेज का URL लेता हूँ, आप जिस नाम से बनाएंगे तो आप उसका URL लेके, ठीक है। और हमें यहाँ इसको कंटेंट में डालने हैं और इस पेज को यहाँ लिस्ट करना है, कंटेंट स्लाइड्स स्लाइड शो एग्जांपल के पेज पे, और हम लोग यहाँ सेव कर देंगे। इसके बाद जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो नीचे एक और हमारा स्लाइडर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा स्लाइडर आ गया है जो कि हमने यहाँ पर पहले ही CSS से सेट कर रखा था इस पेज पे, तो उसका कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पर आ गया है दोस्तों, ठीक है। आपका ऐसा नहीं आएगा क्योंकि कुछ CSS कोड होगा, वो करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो वो CSS कोड करते हैं, CSS करने से पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है, अगर बाय चांस हमें जो HTML स्ट्रक्चर अगर हमें चेंज करना है तो वो हम व्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हम इस बॉडी पे क्लिक करते हैं, आप एक नया भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैं अगर आपको बताऊँ तो इसके अंदर आपको जब एक नई फील्ड ऐड करेंगे ग्लोबल फील्ड जो ये कस्टम टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट के अंदर आप डिव और ये सब इस तरीके का HTML स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस पे बॉडी पे क्लिक करते हैं और इसको नीचे का हमारा ऑप्शन है नो रीराइट रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे और इसमें एक स्ट्रक्चर कॉल करेंगे इस टाइप का, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ डिव ले रखी है, इस डिव में इमेज और ये आपको जो ये आपको दिखेगी वो जो रिप्लेसमेंट पैटर्न आपको नीचे दिखाई देंगे वो यहाँ नीचे मिलेंगे, तो ये आप पैटर्न यहाँ से अपना कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी इमेज हो, ये हमारा टाइटल है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ आपने इमेज कॉपी कर दी, इस एक और डिव क्रिएट किया, इसका ना इसमें क्लास दे दी, ठीक है, और ये हमने टाइटल को H4 में ले लिया और बॉडी को पी टैग में लेके डिप बंद कर दी, ठीक है। यहाँ आपको इसको में अप्लाई कर देना है। अभी जब इसको आप कर देंगे तो आपके पास दो दो रिज़ल्ट आएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पहला रिज़ल्ट भी आ रहा है
और दूसरा जो आपने बॉडी में कॉल किया तो उसमें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें जाना पड़ेगा और यहाँ पर इसको एक्सक्लूड फ्रॉम डिस्प्ले से हटा देना है, ठीक है। अब इसका हमें पर्पज़ नहीं, क्योंकि हमने जो वहाँ पर टोकन यूज़ कर लिया है उसके थ्रू ही हमें वहाँ पर वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नीचे, अब ये देखिए अब हमारा सही हो गया। तो इससे हमारा क्या हुआ, इसके हम इससे हमें स्ट्रक्चर मिल गया जो हमें चाहिए था, ठीक है, अपने सी एस एस के लिए। अब जब देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो क्लास डिव लगाया था स्लाइड्स करके, जो ये हमने क्लास लगाई हुई है, ये आ गया हमारा आइटम के अंदर, हमारी इमेज आ गई और ये हमारा पी टेक के अंदर हो गया, ठीक है। ये टाइटल में हमारा एच फोर हो गया, ठीक है। तो ये हमने अगर अपने व्यू का अगर थीमिंग प्रोसेस में तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी एस एस देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ सी एस एस कोड किए हुए हैं, जो कि ये है, जब आप व्यू बनाएंगे तो इस तरीके से आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। ये फील्ड्स, ये पेजर की क्लास है जो कि हमने यहाँ यूज़ कर रखा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो हमने पेजर यूज़ कर रखा है, जब आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी, ठीक है। तो इस क्लास में मैंने ये सी एस एस कोड कर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कोड आप अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके जिस टाइप का भी आपको मतलब डिज़ाइन चाहिए, तो ये तो डिज़ाइनिंग, ये थीमिंग का सी एस एस का कोड है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा और उसके बाद जो हमें लेफ़्ट एंड राइट के जो आइकन चाहिए थे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर फॉन्ट असम से दो आइकन यूज़ किए हुए हैं, ये देखिए फॉन्ट असम से दो आइकन यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमें यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब आप ये सी एस एस कोड लिख देंगे तो आपका आइकन तो नहीं आएंगे, वहाँ स्क्वायर का एक साइन आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी सी एस एस लगानी पड़ेगी। तो ये आपको रखनी पड़ेगी html.tpl.php के हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको इसको हेड सेक्शन के अंदर रखना है इस कोड को, ठीक है। ये आप अपने html.tpl.php वाली फाइल में रख देंगे और उसके बाद जब रिफ्रेश करेंगे तो इस टाइप से एरो बन जाएगा, ठीक है। ये आइकन और सी एस एस, उसके लिए लेफ़्ट के लिए हो गई, ये नेक्स्ट के लिए हो गई, ये प्रीवियस के लिए हो गया, ठीक है। तो ये आपको जो क्लासेस हैं वो आपको अपने कोड के हिसाब से मिलेंगी, ठीक है। और जैसे हमें कि एक हमारे पास पस का भी ऑप्शन आ रहा था इसमें, तो उसको हम लोगों ने डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। उसको हम लोगों ने डिस्प्ले नन कर दिया, उसको हमें दिखाना नहीं है, हमें केवल नेक्स्ट एंड प्रीवियस दिखाना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो कोड है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस कोड से हम लोग ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, ठीक। इतना कोड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि हम अपने ड्रूपल में कैसे स्लाइड शो बनाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट इस तरीके से भी आएगा, हम लोग नंबरिंग जो आ रही थी हमारी एरो वाली वो भी हमने चेंज कर दी, ठीक है। तो जब आप सी एस एस करेंगे तो आपको इस सी एस एस के थ्रू ये आपने आइकन लगा दिए, जो आपके 1 और 2 और 3 जो आ रहे थे उसको आपने हाइड कर दिया, वो भी उसका भी कोड्स वो सी एस एस से किया हुआ है, तो इसलिए ठीक है। तो ये अभी मैं इसका आपको कोड का लिंक दे दूंगा जिससे आप सी एस एस कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइड शो, और भी एग्जांपल हम कवर करेंगे स्लाइड शो के, ताकि हमारा कोई डाउट हो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें स्लाइड शो का एग्जांपल कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।